तो ये फैम व्हाट्सअप कैसे आप लोग सुकैश वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आपको पता है थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा भाई मेरे पास ही पहले सिविक रिबॉन बारिश में वो हो गई थी बंद भाई को लग गई थी वो चीज़ दिल पे। तो भाई आपके भाई ने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि हम अब शिफ्ट होने लगे हैं 4x4 की तरफ। अब 4x4 बोले तो बहुत सारी आती हैं। आपके भाई ने डाला है हाथ बहुत ही कोई पुराने मॉडल पे। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमने कौन सी गाड़ी परचेज की है। तो चलो जी लेट्स गो। अब जब आपके पास डीजल वाली गाड़ी होगी तो भाई डीजल आपको एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। तो भाई इसी तरह डीजल खत्म हो गया था तो हमने सोचा कि भाई इसमें हम डीजल डालें। पहले तो ये मत समझ लेना कि भाई हमारे पास डीजल डलवाने के पैसे ही नहीं है। भाई पैसे तो है लेकिन अभी इस पे थोड़ा सा काम बाकी है तो मैंने इसी वजह से टंकी फुल कराई ही नहीं। लेकिन फिर भी भाई अगर ईगो पे आएगी तो आज ही फुल कराएंगे। भाई एक सेकंड वापस जाओ। इस गाड़ी में बैठते कैसे हैं जल्दी से बताओ। भाई ये भाई अल्लाह कैसे बैठी हो क्या क्या मतलब है वो तो आप सबने देखा ही है जी। बिस्मिल्लाह करके करते हैं इसको स्टार्ट। पहले इसमें एक आवाज आती है भाई ये इंजन इसका होता है गरम। जी आप लोग कमेंट करो। इससे पहले ही मैं आप लोग को बता देता हूँ कि भाई हमने ये गाड़ी 1-2 महीने के लिए खरीदी है। इस पे थोड़ा सा काम कराएंगे इसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे फिर उसके बाद हम इसको सेल कर देंगे। अभी गाड़ी क्या है क्या नहीं है इसकी डिटेल तो मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। बाहर से भी दिखाऊंगा इंटीरियर भी दिखाऊंगा क्या लेग स्पेस है क्या है सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। अभी तो उसके कुछ पार्ट्स वगैरह है भाई जैसे लेट सपोज टूटी हुई है ये सारी चीजें भाई इसको मॉडिफाई करेंगे अच्छे से। अब ये देख के ये मत सोचना कि भाई क्या टूटी फूटी गाड़ी उठा ली। भाई इसकी रनिंग और सारी चीजें जो है ना वो तो भाई लाजवाब है। इंजन से गाड़ी अपनी है और बॉडी से अपनी है उसके अलावा तो भाई जो भी हो हमारा है। एक गाड़ी लेने के बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है ना वो ये है कि मैकेनिक से दोस्ती कर लो क्योंकि आपका चक्कर तो उसके बाद लगना ही लगना है। तो ये खुला हुआ है हमारी गाड़ी का इंजन अभी एसी का काम चेक कराना है इसको चेक वेक कराते हैं देखते हैं क्या बनता है। सुबह वीडियो आई कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको आज एक रिलायबल प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है IQ ऑप्शन। जिसके बाद वर्ल्ड वाइड इसके 60 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एसेट जैसे कि गूगल ऐप और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज। आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड से 90% तक का प्रॉफिट हासिल हो सकता है। आपको एक रियल अकाउंट ट्रेड करके दिखाता हूँ। एसेट सेलेक्ट किया हमने और अमाउंट अब हमें फोरकास्ट करना है कि एसेट की वैल्यू अप जाएगी या डाउन। तो मुझे लगता है कि ये अप जाएगा तो हम अप पे क्लिक करेंगे। सही है यस मेरा फोरकास्ट सही निकला। IQ ऑप्शन आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी दे रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रेडिंग करना भाई बहुत ही इजी है क्योंकि ये एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। अगर आप बिगनर हो तो भाई नो प्रॉब्लम क्योंकि IQ ऑप्शन आपको देता है वेलकम बोनसेस अनलिमिटेड डेमो अकाउंट इजी ट्रेनिंग एंड कूल प्राइसेस। और जो सबसे अच्छी बात है भाई आपका जीता हुआ पैसा आप बहुत इजीली विड्रॉल कर सकते हो थ्रू जैस कैश इजी पैसा एंड बैंक ट्रांसफर। एक जरूरी बात यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट जो है वो है $10। सुबह किस चीज का वेट कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है कमेंट में भी पिन कर दिया तो बगैर सोचे समझे जाके क्लिक करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो भाई इट्स डे टू सेम जगह सेम कपड़े वगैरह तो पूरी की पूरी मार्केट बंद है लेकिन फिर भी भाई हम बैठे हुए अपनी गाड़ी को लेके। गाड़ी एक बार हो जाए ना AC का काम था अब मैंने सब खुलवा दिया कि भाई AC एक बार चले ना तो सही हो जाए बिल्कुल कि ये गाड़ियाँ होती है पुरानी अब इसकी कोई वायरिंग हो कुछ हो XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैंने बोला कि पूरा खोल के नए सिरे से अच्छे से फिट करो। और भाई फाइनली गाड़ी का काम करवाने के बाद अब हमने सोचा है कि हम ये स्टेप लेंगे कि पीछे आप देख सकते हो मीटर चले जा रहा है। हम अपनी टंकी कराएंगे भाई एकदम फुल। अब देखना ये कि ये टंकी होती कितने में हो जाएगी अंदाजन। फायदा ऐसा कारीगर का जिसको अपने काम का ही नहीं पता। अभी तो सिर्फ 5,000 का हुआ है भाई अभी देखते हैं कितने में फुल होता है। 5 minutes later तो भाई ये तो मीटर रुक ही नहीं रहा यार क्या कर रहे हो अबे 15,000 पे चला गया अबे ओए अबे भाई तू बोला था कि 12,000 रुपए में फुल होगा सिविक का था अबे अभी भी नहीं हुआ फुल अबे 17,000 बहुत महंगा हो रहा है भाई मैं रोड पे आ जाऊंगा इतने का तो गाड़ी में काम नहीं करा है जितने का डीजल डल गया अभी भी है क्या भाई साहब 71 लीटर की टंकी है कितने की टंकी है अबे भाई इतनी बड़ी टंकी इतने पैसे ही नहीं है अभी भी फुल नहीं हुई है कितने लीटर की टंकी होती है ये दादन कितने लीटर की टंकी अभी तक तो 81 चला 82 चला गया 82 हो गया भाई लीक तो नहीं है कहीं लीक है क्या नहीं यार डरा रहा
थोड़ी थोड़ी सांस आई भाई। ये दोस्तों ने मजाक मजाक में मेरे साथ गेम कर दिया यार, ये तो महंगा डीजल डालो फुल करो अब जब। बस वॉलेट दे यार मेरा यार। अजीब ये शहीर खान नाम का वॉलेट है, अब इसमें से निकालते हैं भाई पैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसे हैं तो वैसे देख लेते हैं भाई कितने हैं। 5, 5, 15, 17, 18, 19, 20। सही नहीं, 18, 19 आ रहे यार। मेरे साथ तो रियल लाइफ में मोए मोए हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि भेज दूँ गाड़ी। कोई है आप में से जो बहुत अमीर हो, ये गाड़ी खरीद ले फौरन। अभी भी फुल नहीं हुआ क्या? इधर दिखाओ कैमरा मैन। मौके ही नहीं दे रहा यार ये फुल। बस इतना काफी है, फुल कराना है मुँह तक। मुँह तक मुँह तक करो जब हो गया। जब इतना मोए मोए हो गया तो पूरा हो जाए। खुशी चेक करो लौंडे की, खुशी चेक करो। कमीशन पे खेल रहे हो। 25,000 में 2,513। ये हमारे पास 26,000 रुपए में हो गई है भाई हमारी टंकी फुल। बस कुछ नहीं कुछ नहीं, पुरानी गाड़ी इतना तेल पीती है भाई। अब वाला गाला हो गया ये तो। एक महीने में क्या था वो ना, आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती। बस 26,000 ही है, ज्यादा नहीं है भाई जान। बिस्मिल्लाह रखवाने रही। 3 रुपए की तो माफी दे दो। नहीं है, 3 की भी नहीं है। 3 रुपए निकाल के देखो, 2 रुपए तो थे। एक था। अब देख सकते हो 90 लीटर की टंकी भरी है 26,003 रुपए में। बस हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट काम पे, अब बाद में ही मिलेंगे भाई। हाँ तो जी कैसे हो आप लोग? सो गाइस मे बी इट्स day 4 or 5। तो भाई इतने दिन हो गए गाड़ी पे काम ही चल रहा है, मतलब रोज काम चल रहा है। उसके सनरूफ का शीशा टूटा हुआ था, वो डलवाना था। अब तो ये पुरानी गाड़ी होती है ना भाई, इनके पार्ट्स भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन फिर भी अब हमने इतना मतलब मार्केट में हम लोग घूम लिए कि हमें इसकी एक एक चीज़ का पता चल गया। गाड़ी रिवील कर दूँ फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। खैर सनरूफ वाला काम हो गया था, आज हमें रेडिएटर का काम कराना। और समझो कि भाई गाड़ी को हमने सजाना है आज। इंजन से गाड़ी बिल्कुल ओके है, एसी बिल्कुल ओके है, रेडिएटर बस आज हो जाएगा, बस दूसरा डालना है, फिक्स करना है। सनरूफ ओके हो गया, सारे काम हो गए ओके बिल्कुल एकदम। तो आज का जो काम है मतलब समझो डेकोरेशन वाला काम है। लेकिन यार सोच रहा है डेकोरेशन तो होती रहेगी, आज व्लॉग तो मैं डालूं यार। 4-5 दिन हो गए मैं रोज गाड़ी का काम कर रहा हूं, पता नहीं कब तक चले। आप लोग तो वेट बना रखो, आज गाड़ी तो रिवील करें भाई। और जितना भी हमारा काम वगैरह चल रहा है सब चल रहा है तारी रोड की तरफ। चलो फिर निकलते हैं। सुबह लद्दाख आज हम खैरियत से जाए और वापस गाड़ी लेकर आए। 4 दिन से मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसी लोकल कैब में सफर कर रहा हूँ। चलो चले। और भाई अब गाड़ी का काम कराने आए हैं तो नाश्ता तो किया नहीं है, तो नाश्ता भी करेंगे। और भाई नाश्ते में है अंडे वाला बर्गर, और इसके साथ अगर दूध पाक हो जाए तो भाई क्या ही बात है। भाई सब नाश्ते वगैरह से फ्री हो के हम आ चुके हैं वापस गाड़ी की तरफ। और गाड़ी पर जरा नजर डालते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पीछे की डिक्की शिक्की सब खुली है भाई, और हमने ये सनरूफ भी सही करा लिया था, तो सनरूफ भी हमारा ओपन है। यहाँ पे सारे शीशों की सफाई चल रही है। क्यों? क्योंकि ये सारे शीशे होंगे भाई टेंट। अंदर की इंटर क्लीनिंग वाला प्रोसेस मैंने बिल्कुल एंड में कराऊंगा, कारपेटिंग इंटर क्लीनिंग वगैरह। अभी ये जो पुराने टेंट वगैरह इस पे लगे हुए हैं तो ये उतर रहे हैं, ये सारे उतरे हैं। इसके बाद इसका नए पेपर इंस्टॉल करें। अभी बस वेट करना है यार, सनरूफ तो दिखाऊंगा। कहीं भी चढ़ सकते हो इस गाड़ी पे आप। भाई साहब क्या प्यारा आसमान आ रहा है ऊपर से भाई, फुल सनरूफ और ये अंदर लेदर की सीट है। ये सारी सफाई होगी अभी, सफर करो। फाइनली मैंने सोचा कि भाई इससे पहले काम स्टार्ट हो तो मैं आप लोगों को गाड़ी दिखा देता हूँ भाई कि ये कौन सी गाड़ी है। भाई अपने दिलों पे हाथ रख लो, मजाक करो। चलो लेट मी शो यू। ओ भाई साहब ये रही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी न्यू गाड़ी। और भाई इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं, ये है मिट्सुबिशी पजेरो 1993 का मॉडल है। इसका लुक शुक आप लोग देख सकते हो क्या लुक है, लेकिन इसका लुक अब चेंज होगा भाई पूरा। अभी सबसे पहले जो हमारा काम होना, इसके शीशे वीशे टेंट होंगे, इसमें साउंड सिस्टम लग रहा है, सारी चीजें। इसके ये एयर प्रेस है ये भी चेंज कराएंगे। और तो बाकी नीचे से तो बिल्कुल ओके है, ये अपनी बॉडी पे है। गाड़ी पीछे पता नहीं कितना पुराना लगा हो भाई, ये उतार के फेंकेंगे, टायर धुलवाएंगे, टायर का अलग ही लुक है। हम चढ़ के ऊपर से दिखाते हैं भाई ये सनरूफ, यहाँ भी चेंजिंग है दिखाते हैं। मैंने सोचा था कि पूरी गाड़ी रैप करा लूँ, लेकिन बोला नहीं यार फायदा नहीं है पूरी गाड़ी रैप कराने का। अभी इसी पे हम थोड़ा सा शिशकेबाजी करते हैं और फिर ये है कि इसको बनाएंगे और फिर इससे मोहब्बत करेंगे। ये धोखा देगी ना तो बस ऐसे देगी कि पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसी मोहब्बत। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, मेरा ड्रीम था कि मैं कोई 4x4 गाड़ी खरीदूं। मैंने सोचा पहले इस पर ट्राई करते हैं, और आपके भाई का हाथ भी भाई इस पे साफ हो गया। अब इसको इंटरकूलर डीजल इंजन है भाई इसका। वाइपर तो चेक करूं यार, वाइपर तो चेंज करा लेंगे यार, क्या है ये छोटा सा खर्चा है। इतनी बड़ी गाड़ी है तो भाई छोटे मोटे खर्चे तो होते ही रहेंगे इस पे। आगे से इसकी लुक की बात करो तो भाई आगे से इसका लुक ये जो है इस पे भी कलर वलर होगा, सारी चीजें एक रूम वगैरह होके भाई गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी। थोड़ा और पीछे जाके दिखाते हो, सारी मार्केट में देखो भाई ये खड़ी हुई अलग ही दिख रही है भाई। लेकिन अभी आप ऐसे देखो और इसको एक दो दिन बाद देखना भाई ये क्या तैयार होगी। इसको ले जाओ गाड़ी से दूर, ले जाओ भाई इसको गाड़ी से दूर ले जाओ, हटो
ये कपड़ा मारने वाला आ गया गाड़ी पे, बोलो चलो 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 शाबाश जाओ जाओ। तो भाई इस साइड से नहीं देखी थी ना भाई ये वाली सीन है, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट से लाजमी माशाल्लाह माशाल्लाह बोल देना यार, क्यों? क्योंकि जब एक लड़का जो कि छोटी उम्र में अपने ड्रीम वगैरह पूरे करता है ना, तो यार उसके लिए मतलब एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। अब लोगों के लिए होगा कि बोलेंगे अभी इतना पुराना मॉडल हमारे पास तो ये है वो है। एक सीधी साफ सी बात बताऊँ, मेरे लिए ना ये समझो कि कोई 3-4 करोड़ों की गाड़ी है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने अपनी मेहनत से परचेज की है, मैंने इतनी मेहनत की छोटी उम्र में, मैं भी 21 साल का हूँ, तो भाई ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ते वक्त के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि भाई सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाएँ, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ते करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने सारे ड्रीम पूरे करेंगे। अबे फिर आ गए तुम यार, इसको अभी उठा के नहीं फेंका था? तो चलो भाई इसका काम वगैरह स्टार्ट होने लगा है, तो हम लोग बैठ के काम करवा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें से ये निकलवा दिया भाई पुराने जमाने का, इसमें हम इंस्टॉल करेंगे ये वाली LCD, चेक करते हैं। अब हमारे रोल आ चुके हैं और हमारी छत रैप होना शुरू हो चुकी है, तो लेट्स सी इन द एंड क्या रिजल्ट निकलता है। भाई स्पीकर दिखाओ कौन से लगा है। ओए होए होए भाई साहब, ये पेटी, ये ऊपर आगे एम्प लगाया, आगे भी लगेंगे स्पीकर। फुल आवाज में ना तुम्हारे घर के बाहर आगे बजाऊंगा ये मैं, और गाना पस हाँ तो गाना भी तो मैं यही लगा रहा था, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया जिगर मां बड़ी आगे है डंग 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 डंग। तो जी इट्स डे 5 और सारे काम करा के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पे वापसी आ चुके हैं। सुबह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो ढेर सारा प्यार दिखाना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट 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 करते रहना। तो भाई इस गाड़ी पे क्या काम हो रहा है, काम सारा मैं बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। और भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, माशाल्लाह लाजमी बोल देना भाई, अल्लाह हाफिज़।